25 हफ्तों तक थिएटर से नहीं उतरती थी इस स्टार की फिल्में। हीरो बनने के लिए बेले थे कई पापड़। राजेंद्र कुमार, जिन्हें प्यार से जुबली कुमार के नाम से जाना जाता है, वे हिंदी सिनेमा के गोल्डन पीरियड के बेस्ट एक्टर्स में से एक थे। पुलिस की नौकरी के लिए चुने जाने के बावजूद राजेंद्र कुमार ने फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया और मुंबई पहुंचे। उनके करियर की शुरुआती दौर में कई चुनौतियां आई, लेकिन राजेंद्र कुमार डटे रहे। उन्हें उनकी पहली सक्सेस 1957 में फिल्म मदर इंडिया से मिली, जिसमें उन्होंने नरगिस के बेटे की भूमिका निभाई। इस भूमिका ने उन्हें काफी पहचान दिलाई। 1959 में राजेंद्र कुमार को रोमांटिक हीरो के रूप में पहली बड़ी सफलता गूंज उठी शहनाई से मिली। 1960 के दशक के दौरान उनकी फिल्मों को जमकर सफलता मिली, जो सिनेमाघरों में लगातार 25 हफ्तों तक चली, इसलिए उनका नाम जुबली कुमार पड़ गया। राजेश खन्ना की एंट्री के बाद राजेंद्र कुमार की लोकप्रियता घट गई।